इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है बलात्कार का, और इस आरोप को लेकर कई दिनों से राजनीतिक उठापटक भी मची हुई है, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव बेहद नज़दीक हैं और अजमेर सरस डेयरी के जो दुग्ध पालक हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रमुख के चुनाव में एक बड़ी भागीदारी निभाते हैं। हम बातचीत कर लेते हैं, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमारे पास में आई है जिनको लेकर सवाल हम इनसे करेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस खबर को आपको देखना चाहिए। बताइए मुझे कि रामचंद्र चौधरी पर आप छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं या बलात्कार का आरोप लगा रही हैं? रेप का आरोप है जी। रेप का आरोप है जी सर। एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है जो गुलाबपुरा थाने में आपने शिकायत दी थी, उसमें आपने 5 लोगों के नाम दिए थे और उसमें आपने कहा था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन रामगंज थाने में जो आपने रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके साथ बलात्कार हुआ है और उसके अंदर जो नाम आ रहा है वो केवल और केवल रामचंद्र चौधरी का आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि परिवर्तन क्यों हो रहा है? मैंने गुलाबपुरा पुलिस स्टेशन जो रिपोर्ट दी थी तो वहाँ पे पहले मैंने रेप वाली दी थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये केस हम रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बड़ा आदमी है और ये वारदात वहाँ की है, तो आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करवाइए। तो मेरे को घर पे लगातार मतलब कि धमकियाँ मिल रही थी और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मतलब कि सोशली प्रेशर बना रहे थे, तो मैंने एज ए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फिर उनको वो रिपोर्ट दी थी। तो गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट आपकी दर्ज नहीं हुई थी? जी सर, वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं। उसके बाद रामगंज थाने आप आए, आपकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज हो गई। जी सर। इसके बाद तो नहीं हुई सर, मेरे 3 बजे आ गई थी, उसके बाद में मेरे को 7 बजे के आसपास रिपोर्ट दी थी और 11 बजे तक हमें पुलिस स्टेशन बिठाए रखा था और फिर मेडिकल के लिए मेरे को वहाँ पे ले जाया गया था JLN हॉस्पिटल, तो वहाँ से हमें 12:30 बजे बाद में मतलब कि फ्री किया। अखबार में खबर भी छपी कि आपने मेडिकल कराने से मना कर दिया, क्या वाकई मना कर दिया या कराया आपने? सर मैं काफ़ी घबराई हुई थी जब वहाँ पे गई थी, और जब हॉस्पिटल में गए थे तब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में कॉल आ गया था, तो उन्होंने कहा कि विक्टिम मेरे पास पहुँच चुकी हैं और वो विक्टिम का नाम भी मतलब कि फ़ोन पे बता रहे थे, तो मैं और काफ़ी डर गई थी, तो मैंने मेडिकल नहीं करवाया था और मैं मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ अब। अब आप तैयार हैं। अच्छा, एक सवाल और आता है कि आपने जो FIR कराई है और जो घटना है उसके अंदर काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, ये क्या कारण रहा कि आपको इतना समय लग गया इसमें? मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करवा दी थी महिला आयोग में और ये मानवाधिकार में, बट वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, तो इसलिए मैंने फिर गुलाबपुरा पुलिस स्टेशन में करवाया था, तो उन्होंने दर्ज नहीं की थी और ना उन्होंने कोई पुलिस प्रोटेक्शन दिया था, वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो फिर मैं रामगंज पुलिस स्टेशन आई थी। अच्छा, एक रिपोर्ट और हमारे हाथ लगी है, जो रिपोर्ट के अंदर आपके परिवार के जो आपके सिस्टर्स हैं और आप हैं उनके ऊपर आप ही के जिया जी ने एक आरोप लगाया है कि 12 लाख रुपए मांगने का और नहीं देते हैं, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार का केस आप उनके ऊपर लगा देंगी, क्या ये वाकई सच है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है और मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसकी कार्रवाई भी जल्द से जल्द करे, ये उनका आपसी फैमिली मैटर है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करे। अच्छा, एक अभी आपने जिक्र किया मेडिकल की जब बात आई थी तो आपने कहा कि विक्टिम का नाम आ रहा है, उसमें नाम लिया जा रहा डॉक्टर से, तो आपको क्या रामचंद्र चौधरी से डर है? जी सर बिल्कुल डर है, वो मतलब कि हमारी जो भी रिलेटिव है तो उन पे काफ़ी दबाव डाल रहे हैं और जो सोसाइटी है तो सोसाइटी के थ्रू भी, जो मतलब कि जाट समाज का अध्यक्ष है तो उनके थ्रू भी उनको मतलब काफ़ी दबाव डाला जा रहा है और वो हमें समझा रहे हैं कि जैसे तैसे मतलब कि मैटर को यहीं पर क्लोज करो, और जिनके हम गाड़ी लेके गए थे तो उन पे भी काफ़ी दबाव डाला जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि पहले तेरे को देखेंगे हम और बाद में लड़की को तो हम उठा ही लेंगे यहाँ से। तो अगर मेरी फैमिली को और जिनकी गाड़ी हम लेके गए हैं विनोद कुमार देवलिया से, तो अगर उनको कुछ भी होता है तो इनका जिम्मेदार रामचंद्र चौधरी खुद और उनके सपोर्टिव होंगे। अच्छा, एक आपने जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने पहले 5 लोगों के नाम दिए थे लेकिन अभी आपने केवल एक ही रामचंद्र चौधरी का ही नाम दिया है, वास्तव में है कौन, रामचंद्र चौधरी हैं या उनके साथ में और भी लोग हैं? जो मैंने 5 लोगों के नाम दिए हैं तो वो तो मतलब कि मेरे को वैसे परेशान कर रहे थे पेमेंट को लेकर के कि जैसा हम कहते हैं तुम वैसा करो, और मेरे को मतलब कि फर्स्ट मंथ का पेमेंट भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने उस वे में उनको मतलब इन्फॉर्म करने के लिए लिखवाया था, और बाकी जो सेक्सुअली हरेसमेंट हुआ है वो रामचंद्र चौधरी के द्वारा हुआ है। तो ये थी हमारे साथ जिन्होंने सीधे तौर पर रामचंद्र चौधरी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है, और अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसके अंदर रामचंद्र चौधरी इस मामले को रफा दफा करने की
बात कर रहे हैं। हाँ गजराज जी का फोन आया था आपसे। हेलो। हाँ जी गजराज जी का फोन आया था आपसे बात करने के लिए। हाँ बेटा क्या हुआ, तो वो एमडी ने मना कर दिया तेरे को? नहीं सर, आपने हरकत कैसी की थी मेरे साथ, जबरदस्ती क्यों की सर आपने? क्या हुआ बेटा? जब मैं आपके चैम्बर में आई थी एप्लीकेशन लेके, तो आपने सर, आप मेरे बाप बराबर हो, आपने ऐसी हरकत क्यों की सर, जबरदस्ती क्यों की मेरे साथ? कोई नहीं बेटा, माफी चाहता हूँ बस। नहीं सर, माफी नहीं होती है सर, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रख सकती हूँ कि आप मेरे बाप बराबर हो, आप मेरे को ऐसे पकड़ो और मेरे को ये चीज बोलो कि तुम्हें शर्म आ रही है और तुम्हारा मन हो तब। छोड़ो छोड़ो बात बेटा, बात को माफ करो, उस बात को जिंदगी में नहीं होगी, बात खत्म, ठीक है ना? माफी मांग ली सर। पेरेंट्स से ये उम्मीद नहीं होती कि अपने पेरेंट्स ऐसे करेंगे सर, आप अपने बेटियों के साथ भी ऐसे ही करते हो फिर? नहीं नहीं करते बेटा, बात खत्म है ना, मैंने मना कर दिया तेरे को, बात खत्म कर, टॉपिक को यहीं रोको, धन्यवाद, ठीक है ना? मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।